मैं अभी इबिज़ा रिजॉर्ट में हूँ और ये मेरा पहला ब्लॉक है। मैं इस ब्लॉक में बताऊँगा आपको इसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, आप कैसे यहाँ पे सेफली पहुँच सकते हैं टाइम पे, और इसमें कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, फैसिलिटीज़ क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और ये रिजॉर्ट बहुत ही बड़ी है, इसलिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एक्सप्लोर पे, चलिए चलते हैं। ये है रिज़ॉर्ट का मैप और अभी हम एंट्रेंस पे हैं। यहाँ से कार एंट्री करती है और ये रहा मेन गेट। अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। और हम पहुंच गए हैं अंदर। ये रिसेप्शन की जगह है और वो आप देख सकते हैं, वो रिसेप्शन है। रिसेप्शन में सबसे पहले आपको अपना कार्ड शो करना पड़ता है, वो कार्ड स्कैन करके आपको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट भी देना पड़ता है आपको। हमने एक दिन स्टे के लिए 4,000 रुपये दिए थे। उसके बाद आपको एक प्रिंटआउट कॉपी मिलेगा जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा और उसके पीछे ठीक एक मैप रहता है रिजॉर्ट का। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। और ये रहा हमारा रूम। अब चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। आप सामने देख सकते हैं दो चेयर है, एक टेबल है और ये टीवी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉफ़ी चाय वगैरह भी पी सकते हैं, पानी भी आपको प्रोवाइड किया। ये डस्टबिन है और ये रहा एसी। और ये बेड ये आपको कबर्ड मिलेगा जिसमें आप अपने कपड़ा रख सकते हैं। और ये गेट है और ये घर का रूफ है। ऊपर में भी एक पंखा लगा हुआ है। ये कबर्ड में आपको एक लॉकअप मिलेगा जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकअप, इससे आप लॉक कर सकते हैं और ये इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आप ये देखिए लॉक हो चुका है, इसको आप टान के देख सकते हैं, इसको फिर रीओपन भी कर लीजिए आप। इसमें आप अपना वैल्यूएबल सामान रख सकते हैं, मैंने अपना पर्स और मोबाइल रखा था इसमें। ये रहा वॉशरूम और यहाँ पे एक शावर है। ये रहा गीज़र, ये मिरर,
यहाँ पे बॉडी वॉश, शैम्पू और कंडीशनर भी रखा है। ये रहा स्विमिंग पूल का एरिया। आप यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक नहा सकते हैं और यहाँ पे आपको टॉवल सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है। और अब हम चलते हैं गेमिंग की तरफ। ये बच्चों लोग के लिए भी गेमिंग जोन है यहाँ पे, यहाँ बच्चे आराम से गेम खेल सकते हैं। ये सब बच्चों के लिए हैं, यहाँ बड़े भी खेल सकते हैं। ये भी प्लेइंग एरिया है। यहाँ पे कैरम भी है, आप कैरम भी खेल सकते हैं। वाह, दोनों चला गया। ये स्नूकर है, वो टेबल टेनिस, वहाँ पे चेस है और यहाँ पे एक टीवी भी है। आप यहाँ पे बैठ के आराम से स्नैक्स खा सकते हैं, स्विमिंग पूल का व्यू देख सकते हैं। और ये आइसक्रीम पार्लर, यहाँ पे आप स्विमिंग सूट भी खरीद सकते हैं। अब हम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। ये रिसेप्शन वाली जगह है, बाहर में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं।
इस तरफ बाएं साइड में रात में डिनर होता है, ये डिनर हॉल है। और इस तरफ ब्रेकफास्ट हॉल है। ये रहा डिनर करने का एरिया, लेकिन मैंने रूम पे ही मंगवा लिया था डिनर। और ये रहा मेन्यू कार्ड, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी आइटम हैं, आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो हमने इसमें ऑर्डर किया था चिकन चिल्ली जो कि लगभग 415 रुपये की थी, और फ्राइड राइस जो कि 270 रुपये की थी। और ये इवनिंग भी हुआ है। और ये मॉर्निंग व्यू है सेम जगह की। पहले मैंने ब्रेकफास्ट में ये सब लिया था, ऑरेंज जूस, केक, एक कॉर्नफ्लेक्स, पपीता था। फिर मैंने पूरी सब्जी खाया और यहाँ पे जूस, ये दही है। के बाद मैंने पैनकेक का ऑर्डर दिया था, ये रहा पैनकेक। आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं, आपको जो चाहिए वो बना देगा, ऑमलेट, डोसा, जो भी चाहिए। और ये ऑरेंज जूस, ये मेरा पैनकेक बन रहा है। यहाँ पे आप रैकेट खेल सकते हैं जो कि फ्री है, डिस्को है यहाँ पे। और ये रहा बास्केट बॉल, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं जो कि वो भी फ्री है।
और ये रहा जिप लाइन, यहाँ पे 150 रुपये लेंगे पर हेड, जो कि बहुत ही एडवेंचरस है। ये रहा बेसॉन चेयर, 100 रुपीज़ पर हेड, और यह कमांडो वर्क, 100 रुपीज़ पर हेड, बर्मा ब्रिज, 100 रुपीज़ पर हेड, और ये आइलैंड की तरफ जाता है ब्रिज। यहाँ पे बच्चों के लिए भी प्ले ग्राउंड है। ये रिज़ॉर्ट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको चल के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे स्पा भी है, ये रहा स्पा। यहाँ आप ओला या उबर से आ सकते हैं, ओला शायद नहीं आता है, यहाँ पे उबर आ सकता है। और ये लगभग आपको 20 किलोमीटर अबव आने से आपको लगभग 300 रुपये लग जाएगा। और मैं आपको इस रिज़ॉर्ट का एग्जैक्ट एड्रेस भी दे देता हूँ, ये रहा रिज़ॉर्ट का एग्जैक्ट एड्रेस, आप गूगल पे भी इसको मैप पे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या चार्जेस है वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं और कितने आदमी आ रहे हैं। और ये
प्राइस वेरिएशन डिपेंड करते रहता है, चेंज होते रहता है। ये लगभग 3,500 से लेके 6,000 तक इसके बीच में ही रहता है प्राइस। रिजॉर्ट मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट करके बताएं कि ये ब्लॉग कैसा बना, यहाँ का रिजॉर्ट कैसा है और क्या और जो कमेंट दिल करे कर देना।